तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है रक्षी, सिर्फ एक दिन। किसी तरह हिम्मत करो, ये सब छोड़ के भाग जाओ असलम के साथ। बार बार आऊंगा तुम्हारे रास्ते में, और उस वक्त तक आऊंगा जब तक कि तुम अपना रास्ता नहीं बदल लेते। रास्ता तो पता नहीं बदल पाओगे कि नहीं, अलबत्ता खोटा जरूर कर दोगे। तुम कुछ दिन के लिए कह दो कि शहर से बाहर जा रहे हो, कल अपनी मेहंदी की रात रक्षी घर से निकल आएगी, तुम स्कूल की पिछली गली में उसका इंतजार करना। तुम्हें याद दहानी करवा रहा हूं जाना, मोहब्बत और खुशकिस्मती बार बार दस्तक दे रही है तुम्हारे दरवाजे पर। 30 घंटे हैं तुम्हारे पास, बहुत होते 30 घंटे। तुम जिस वक्त भी फैसला कर लो मुझे बता देना। 29वें घंटे भी ये मत सोचना कि बहुत देर हो गई, मैं आखिरी सेकंड तक तुम्हारा दरवाजा खुलने का मुंतजर रहूंगा। गलत, 30 नहीं 15, बस 15 घंटे बाकी है तुम्हारा इंतजार खत्म होने। 15 घंटों के बाद लक्ष्य तुम्हारी दस्तरस से, और मैं तुम्हारी ख्वाहिश से निकल जाऊंगा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर और कितने वाज़े अल्फाज़ में तुम्हें समझाना पड़ेगा? मुझे तुम्हारे अल्फाज़ समझ में नहीं आते और ना ही कभी आएंगे। मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि जो काम अधूरा रह गया है उसे मुकम्मल करना है। मैं कर चुकी मुकम्मल अपने तौर पर, मैं अब अधूरी नहीं हूँ। हाँ, तुम अपने अधूरेपन का मुदावा कहीं और करो। अब कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। पहले खुदा को एक बार हाजिर नाजिर जानकर कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो प्यार रहा ही नहीं। कह दो, आज तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। हाँ है वो प्यार आज भी, मगर बस यही जानना था, यही जानना था। मैं तो कह रही हूँ इस बात का किसी न किसी को पता होना बहुत जरूरी है। उसे क्या हो जाएगा भाभी? पागल कुछ न कुछ तो होगा। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त कोई कुछ भी ना करे। इस वक्त कुछ करने का वक्त सिर्फ असलम का। अगर किसी को भी इस बात की खबर हुई तो सबसे पहले वो असलम को रोके। सिकंदर को भी तो रोका जा सकता है। कैसे? सिकंदर को रक्षी से शादी करने से कोई कैसे रोक सकता? और किस हक से? अच्छा, और वो जो तुम्हें बिला वजह की नाजायज धमकियां दे रहा है, वो नाजायज बातें कर रहा है, उसका क्या? शर्तें लगा रहा है उसका क्या? हाँ, ये सब बातें किसी ना किसी के इल्म में होना जरूरी है। ज़ैनब, इधर देखो, शौहर और भाई किस लिए होते हैं? तहफ्फुज़ देने के लिए ना। बात तो करके देखो इन लोगों से। मेरा भाई और मेरा शौहर मुझे तहफ्फुज़ दे सकते, मुझे सिकंदर की धमकियों से बचा सकते हैं, लेकिन रक्षी को नहीं।
इस मामले से अलग होके किसी को जलता हुआ नहीं देख सकती। एक गैर लड़की के लिए अपने आप को इतना तकलीफ दे रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ है ना? असलम के दिल का टुकड़ा है और असलम मेरे दिल का टुकड़ा है। ये सब अक्षी के लिए नहीं कर रही, और रात के लिए भी कर रही। सालों से उसके दिल में एक फांस है, अगर इस बात की जरा सी भिनक भी पड़ी तो वो फांस पदा बन के उसके अंदर उतर जाएगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इशरत जी, अम्मा आ रही हूं। मैं भी आती हूँ। मिला किसी से बात कर रही थी? क्यों, मैं किसी से बात नहीं कर सकती क्या? आप दिल में छुपे किसी प्यार की बात कर रही थी। तो क्या प्यार की बात नहीं कर सकती मैं? अब्बा से तो हरगिज नहीं कर रही थी आप प्यार की बात। तुम्हारी भी तो शादी हो रही है कल, जान जाओगी? जान जाओगी कि जरूरी नहीं प्यार और प्यार की बात सिर्फ शोहर से ही हो। मेरी बात कुछ और है। आपने तो अपनी मर्जी और खुशी से अब्बा से शादी की थी ना? ये भी जान जाओगे कि मर्जी और खुशी में बहुत फर्क होता है। आप किसी और को चाहती हैं? ये मैंने कब कहा? आपको अब्बा से मोहब्बत नहीं है। मैंने ये भी कब कहा है? तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, ये तुम हो जो कुछ जानना चाहती हो, उगलवाना चाहती हो मुझसे। लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी तरह मुकरना नहीं आता, वरना उसी वक्त कह देती कि मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी। क्यों भेज दिया मुन्नी को आपने? मैंने मना किया था ना आपको। उसकी बचपन की सहेली की शादी है, कैसे मना करती मैं उसे? मैं बचपन नहीं रहा अब, और ना ही अब वो मोहल्लेदारी रही है, तो क्या जरूरत इतनी दूर भेजने की उसे? मैंने इतनी इसरार करके बुलाया था, कैसे मना करती बताओ? और तुम्हें हो क्या गया? हा? मुझे क्या हो गया? ये छोड़े आप, बस ये दुआ करें कि आगे जाके कुछ ऐसा ना हो जिसकी लपेट में हम सब आगे बैठे बिठाए। मगर इस घर में मेरी सुनता कौन है? कोई तो वजह होगी, मैंने मना किया था। अब खुदा का वास्ता उसको वापस लाने के लिए मुझे मत कहिएगा, और खुद जाकर लेकर आए उसे। पूरे 9 बजे वो घर होनी चाहिए, बेशक तकरीब खत्म होना हो। हाँ हाँ, पूरे 9 बजे वो घर पे होगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ले आऊंगी उसे मैं। और सुनो, जरा आहिस्ते बोला करो। Thank you.
रो क्यों रही हो? जब रुखसत हो तो उस वक्त बाप के सीने से लग के रो लेना। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कभी मर्द को मत दीजिएगा। बाप हूं मैं तेरा, सर से पैर तक तेरे लिए दुआ ही दुआ है, जहां रहे खुश रहे। रक्षी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गई। मैं कैसे नहीं आती, इतनी प्यारी सहेली की शादी जो है, अरे मैं तो खुद इंतजार कर रही थी बुलावे का, तुम्हारे अब्बा कहने ही आ जाए। अब्बा? अब्बा है इतने बुलाने? हाँ, और बहुत इसरार करके गई अम्मा से कि मैं जरूर आऊं। शुक्र उनको पता नहीं चला कि असलम भाई भी उस वक्त हमारे घर पे थे। तुम ठीक तो हो ना? आओ बैठो। निकल रहा है? लेकिन क्यों शाम तक छुपा रहना है? यहाँ पे लोगों को लगना चाहिए तो शहर में नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरे घर हूँ, है ना? इसीलिए जा रहा हूँ। फिक्र ना कर, कोई नहीं देखेगा मुझे। हाँ, मैंने अकरम भाई को भी बता दिया कि तुम मेरे साथ नहीं है और ना ही जाओगे। अब तो ठीक है ना? असलम सुन, रक्षी से भी रब्ता मत करना, अगर दिल कर रहे भी तो फिर भी नहीं, उसको कोई मसला होगा तो वो खुद ही कर लेगा। ख्याल रखो। हाँ, पाजी से वादा किया है मैंने कि कॉल नहीं करूंगा। पाजी ने उसे एक फोन दिया है, जब निकलेगी तो खुद ही कॉल कर लेगी। किस वक्त निकलेगी? मैं वैसे पूछ रहा था कि 10-11 बजे, जब सारे मेहमान चले जाएंगे उसके बाद ही जाऊंगा उसे लेने। और वैसे भी तू तो अपनी बहन को 8 बजे लेके आ जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखना दी, देख मैं तेरी तेरी बहन का नाम नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। कल सभी आज रात को ना खैर तू पकड़ी गई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं हुई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। तभी नदीम भाई मुझे आने नहीं दे रहे थे, कुछ जरूर इस बात का पता होगा। तुमने उसे देखा? कैसा है वो? बात की? बात तो नहीं हुई, बट हाँ देखा मैंने। चारी का बहुत बुरा हाल है, मुझे तुम दोनों के लिए बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर बस अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ कि तुम दोनों को इस सबसे कहीं दूर भेज दे।
लेकिन तुम दोनों जाओगे कहाँ? बख्शी में क्या पूछ रहे हो? अब्बा ने ना मुझे मनसा यहाँ प्यार किया था, मेरा माथा चूमकर मुझे दुआ दी थी, कहा था जहां रहो खुश रहो आबाद रहो। सोच रही हूं कि अगर उनकी दुआ ना लगी तो, और ये सब करने के बाद मैंने दुआ वापस ले ली थी। से चाचा आज खुश तो बहुत थे जब बुलावा देने आए थे। क्या करूं मैं मुनज़्ज़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकरम को फोन करके बता दिया कि निकल पड़ा हूं, माँ को फोन करने की तौफीक नहीं हुई। चलो शायद पहुँच कर बता दे अगर अल्लाह तौफीक दे तो। वैसे नदीम नहीं जा रहा था तो इसे भी वापस आ जाना चाहिए था, अकेले पहाड़ों पर जाकर क्या करेगा। इशरत मैं ही बोले जा रही हूँ, मुझे जवाब तो दो। अम्मा हो सकता है नदीम के अलावा भी कोई दोस्त हो इस प्लान में। हो भी सकता है। अच्छा सुनो, एक दो रोज में बुआ रहमते को फोन करके बुलवाना, असलम के लिए लड़कियां देखना शुरू करते हैं, जितनी जल्दी बन जाएगा ना उतनी जल्दी ठीक। अम्मा मैं ना ये चावल और दाल जरा चढ़ा के आती हूँ। मैं कह रहा हूँ तू ना वापस आ जा यार, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। डरा रहा है मुझे इस मरहले पे पहुंच के पीछे पलट जाऊं, रक्षी को धोखा दे दूं। मुझे लगता है कि धोखा तेरे साथ होने वाला है। रक्षी आएगी नदीम, रक्षी जरूर आएगी। सब कौन आ गया? ओ भाई ये सही से लगाओ यार। हाँ भाई वो कुर्सियां मंगा ली है, कम पड़े तो और मंगा लेना। जी शेख साहब हो गए सारे काम?
अच्छा अच्छा ओ ओ भाई यार क्या कर रहे हो यार, इसको वहीं रखो वहीं पर। नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा, बस भिजवा दें टाइम पर चीजें। ओके ओके यार क्या लगाया हुआ, एक मिनट। देख लेना यार ठीक है, बस बस खैर हाँ हाँ बस बस ठीक है, नहीं काफी है इतना बस। घबराहट हो रही है कि कोई कमी ना रह जाए। क्यों हाथ पांव फैला रहे, सब ठीक होगा और अपने वक्त पर होगा। हाँ मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा, ये तुम जो हो साथ में। आज तुम ना होती तो खुद को अकेला बल्कि अधूरा महसूस करता। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी से माँ की महरूमी को दूर किया और इसका अजर अल्लाह देगा तुम्हें, मैं तो नहीं दे सकता। आज घर घर लग रहा है, कोई इस्तकबाल करने वाला है मेहमानों का। ब्याही बेटी जब मैं क्या वापस आएगी तो खुली बाहों से उसका इस्तकबाल करने वाला कोई होगा। वो जब ब्याह के यहां से जाएगी तो मुझे संभालने वाला फिर होगा। तुम्हारा कौन कौन सा एहसान लूंगा, खाने वाला आया उसकी लबिया। तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू, तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। फिर जा रहे? हाँ बस सोचा ऑफिस से वापसी पर तुमसे मिलता जाऊं। रुक जाए ना, पहले तो मान गए थे। नहीं वो रात को कुछ काम है देर तक, तुम्हें तो पता है। मैं कमरे के सिवा सुकून से कहीं और कर नहीं पाता। क्यों क्या हुआ?
यहीं रुक जाए ना। ऐसा है तो साथ चलो। मैं? क्यों? मैं कैसे दिल नहीं भरा तो यहाँ छोड़ दूंगा सुबह में? नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी कि दो दिन से घर की सफाई नहीं हुई तो अब वहां रात कैसे गुजारेंगे? जी घबराएगा ना आपका, पहले बता देते तो मैं जाकर साफ कराती। अच्छा। तो आप नहीं जा रहे ना, यहीं रुक रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, तुम किस बात पर खुश हो, मेरे वहां न जाने पे या तुम्हारे साथ यहां रात रुकने पे? एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, मेरा तुम्हारे करीब रहना तुम्हारे लिए कभी जरूरी नहीं रहा है। जो पहले कभी नहीं हुआ क्या बाद में नहीं हो सकता? मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूं। बस कुछ वक्त? मैं तो सारी जिंदगी साथ गुजारने की सोचे बैठा था। शायद यही कुछ वक्त सारी जिंदगी बन जाए। Get it.
हेलो, आ गए? अच्छा मैं आती हूँ, दो मिनट। आ रही भाई, आ गए अभी से। क्या हुआ? वो भाई आ गए लेने, तो मैं चलती हूँ आपके। अभी से खाना खा कर जाना। वो अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है ना घर पे, तो तो कल अम्मी की तबीयत ठीक हुई तो साथ लेकर आना। जरूर, चलो। इतनी जल्दी आ गया? अभी तो रस्में शुरू हुई थी। चलो यार तुम रस्में शुरू। मगर मैं बता रही हूँ आपको, कल इतनी जल्दी नहीं आऊंगी, वो भी फंक्शन अधूरा छोड़ के। कल आना तुम्हें? जाहिर है कल आना है, शादी का फंक्शन है कल। बातें करते हैं, चलें अब। रशी बेटा, रशी, रशी। क्या हुआ? नहीं, वो मैं जरा एक काम से जा रहा था तो सोचा रशी से मिलता जाऊं। सो गई होगी, थक गई थी। मैं उसको बता दूंगी, तुम सुबह मिल लेना उससे। और सुनो फैजुल्ला, अब तुम्हें यूं घर से जाने से पहले और वापस आने के बाद उसकी शक्ल देखने की आदत भुलाना होगी। कल आखिरी बार होगा कि तुम वापस आओगे तो वो यूं तुम्हारे मंतजर होगी। Thank you.
हाँ नदीम, बस पहुंचने वाला हूँ। असलम, मैं कह रहा हूँ तू ना वापस आ जा यार, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। डर आ रहा है मुझे इस मरहले पे पहुंच के पीछे पलट जाऊं, रक्षी को धोखा दे दूं। मुझे लगता है कि धोखा तेरे साथ होने वाला है। क्या बकरा, मुन्नी अम्मा को राजी कर रही है कि वो कल उनके साथ रक्षी की शादी पर चले। तू सुन रहा है ना, कल शादी पर। और रक्षी ने इसरार भी किया कि अम्मा को जरूर लेकर आना। हाँ तो मतलब वो शादी के लिए तैयार है, तू बात क्यों नहीं समझ रहा? तू चौक पर इंतजार करता रह जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है यार कि तेरे लिए कोई और फंदा ना तैयार हो रहा हो। देख, मैं रक्षी को जानता हूँ, उसे तेरी बहन पे जाहिर ही नहीं होने दिया होगा। हाँ, उसकी दोस्त जरूर है, लेकिन वो भी मेरी तरह अपनी दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहती होगी। रक्षी आएगी नदीम, रक्षी जरूर आएगी। कौन आ गया? कौन? मैं हूं नरगिस। से ही